हेलो बच्चों सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं और घरों पर बैठकर अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो बच्चों आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोग किसकी बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में हम लोग प्रोटीन संरचना की बात कर रहे थे मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन संरचना में हम चार स्तर की संरचनाएं पढ़ेंगे प्राथमिक द्वितीय तृतीयक और चतुर्थ संरचना और लास्ट लेक्चर में हमने प्राथमिक संरचना जो है वो हमने देख ली थी प्राथमिक संरचना एक बार फटाफट हम देख लें क्या देखा था मैंने कहा था जब बच्चा पैदा हुआ है मतलब जब प्रोटीन पहली बार बना है तो प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल की श्रृंखला है, है कि नहीं प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल की श्रृंखला है किस दिशा से किस दिशा तक एन सिरे से सी सिरे की तरफ जो अमीनो अम्ल की श्रृंखला होती है उसे अपन प्राथमिक संरचना कहते हैं और प्राथमिक संरचना में पेप्टाइड बंद शामिल होते हैं और प्राथमिक श्रृंखला से हमें किसके बारे में पता चलता है कि अमीनो अम्ल की स्थलीय सूचना पता चलती है कौन सा अमीनो अम्ल किस स्थल पर मौजूद है उसके द्वारा हमको प्राथमिक संरचना का ज्ञान होता है तो प्राथमिक संरचना जो है वो तो हमने देख ली थी बच्चों अब प्राथमिक संरचना के बाद आज हम किसकी बात करेंगे प्रोटीन की द्वितीयक संरचना की अब हम किसकी बात करेंगे प्रोटीन की द्वितीयक संरचना की बात करेंगे तो प्राथमिक संरचना तो हमने देख ली थी बच्चों अब ध्यान रखेंगे अब हम बात करेंगे द्वितीयक संरचना की अब द्वितीयक संरचना में ध्यान रखना है क्या है देखो सबसे पहले आपको याद होगा जब मैंने आपसे कहा था कि प्रोटीन की ये रेखित संरचना जो है मान लेते हैं ये मेरे पास प्रोटीन की रेखित संरचना बनाई बच्चों ये एन टर्मिनस है ये सी टर्मिनस है ठीक है यहां पर मीथियोनिन है सिस्टीन है वेलिन है आइसोल्यूसीन है ग्लाइसिन है वेलिन फिर है ये मेरे पास ये अमीनो अम्ल का क्रम ये जो अमीनो अम्ल का क्रम है एंड सिरे से सी सिरे की और इसे अपन ने प्राथमिक संरचना कहा और ये प्राथमिक संरचना एक तरह की रेखित संरचना है अब क्या होगा बच्चों अब ये प्राथमिक संरचना में जगह जगह पर जगह जगह पर कुछ घुमाव देखे जाएंगे आप इमेजिन करो बच्चों एक बच्चा पैदा होता है ना एक बच्चा पैदा हुआ मतलब प्रोटीन बना अब वो क्या करेगा धीरे धीरे थोड़ा हाथ मोड़ेगा ठीक है थोड़ा सा गर्दन हिलाएगा पैर हिलाएगा मतलब जगह जगह में उसमें घुमाव पैदा हो रहे हैं तो प्रोटीन भी ऐसा करेगा प्रोटीन भी जगह जगह पर क्या करेगा घूमेगा क्यों घूमेगा अभी बताऊंगा लेकिन प्रोटीन में भी जगह जगह पर क्या देखी जाएगी फोल्डिंग या घुमाव देखा जाएगा और एक पूरे प्रोटीन में जगह जगह पर जहां जहां घुमाव देखा जाएगा <coughs> उसे हम क्या कहेंगे द्वितीयक संरचना तो सबसे पहली चीज तो एक पूरा प्रोटीन बना सुन लो एक बार अभी कमेंट्स नहीं ध्यान से सुनना एक प्रोटीन बना प्रोटीन बना तो उसकी एक अमीनो अम्ल की श्रृंखला थी लंबी अमीनो अम्ल की श्रृंखला थी जिसे प्राथमिक संरचना कहा अब वो प्रोटीन जगह जगह पर घूमेगा जगह जगह पर उसमें घुमाव उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे द्वितीयक संरचना वो जगह जगह पर घूमता है लोकलाइज्ड फोल्डिंग कहते हैं इंग्लिश में से अपन और ये जगह जगह पर क्यों घूम रहा है हाइड्रोजन बंध के कारण अब द्वितीय संरचना में यह जगह जगह पर क्यों घूमेगा सर क्योंकि इसमें नए हाइड्रोजन बंद बनेंगे और जगह जगह पर जब प्रोटीन घूमेगा इधर से घूम गया उधर से घूम गया उधर से थोड़ा और घूम गया फोल्ड हो गया तो उसे क्या कहेंगे द्वितीय संरचना तो अब ध्यान रखेंगे सबसे पहले पॉइंट तो द्वितीय संरचना का मतलब है प्रोटीन लोकलाइज्ड फोल्डिंग अब लोकलाइज फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं स्थानीय घुमाव प्रोटीन में अलग अलग जगह पर अलग अलग क्षेत्र में जब घुमाव देखे जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे द्वितीयक संरचना और यह लोकलाइज घुमाव किस कारण होंगे ये लोकलाइज घुमाव का कारण क्यों घूम रहे हैं भाई घूम रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण किस कारण घूम रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण तो आप एक उदाहरण से समझें बच्चों इस चीज को इधर देखो मान लो मैं एक प्रोटीन बनाता हूं बच्चों एक बार ध्यान से समझना फिर मैं लिखूंगा चीजें मान लो एक प्रोटीन बनाया भाई ये एन सिरे से प्रोटीन बनना चालू हुआ ये यहां पर घुमा ठीक है ठीक है बच्चों देखो क्या बनाया मैंने ये एन सिरा है और ये सी सिरा है तो ये एन सिरे से सी सिरे तक प्रोटीन है अब ये कहां कहां घुमा बच्चों मुझे बताओ ये देखो यहां पर ये घुमा स्प्रिंग जैसा घुमा फिर यहां पर ये देखो पट्टियों के रूप में घुमा यहां पर ये फिर स्प्रिंग जैसा घुमा तो ये प्रोटीन जगह जगह पर घूम रहा है ना इधर घुमा इधर घुमा इधर घुमा तो ये जगह जगह पर जो स्थानीय घुमाव है इसे क्या कहते हैं द्वितीयक संरचना इसी को क्या कहते हो भाई द्वितीयक संरचना कहते हैं तो अब देखो बच्चों, ये जो और इसका कारण क्या है ऐसा क्यों घूमे थी सर ये सर ऐसा क्यों घूम रहा है ऐसा क्यों घूम रहा है ऐसा क्यों घूम रहा है हाइड्रोजन बंद के कारण क्यों घूम रहा है हाइड्रोजन बंद के कारण ठीक है कारण अब देखो अब ये जो द्वितीयक संरचना है बच्चों ये दो तरह की होगी ये द्वितीयक संरचना कितनी होगी ये घुमाव दो तरह के होंगे बच्चों एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लीटेड यह जो घुमाव है इधर देखो ये वाला हा स्प्रिंग जैसा घुमाव जो मैंने बनाया ये एनसीआरटी में दे रखा है यह भी तो एनसीआरटी में दे रखा है तो यह जो स्प्रिंग जैसा घुमाव है यह हमने कह दिया अल्फा हेलिक्स और यह पट्टियों के जैसा जो घुमाव है ये पट्टियों के रूप में जैसा घुमा इसे अपन ने क्या कह दिया बीटा प्लीटेड तो दो तरह की द्वितीयक संरचना मिलती है हमको दो तरह की द्वितीयक संरचना ध्यान रखनी है कौन कौन सी भाई एक तो एल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लीटेड अब फरक क्या है ये भी बताऊंगा सुनो फर्क क्या है ये भी बताऊंगा एल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड दोनों में घुमाव है और यह घुमाव हाइड्रोजन बंद के कारण है यह घुमाव किस कारण है हाइड्रोजन बंद के कारण तो सर जब दोनों में हाइड्रोजन बंद है तो दोनों की संरचना अलग अलग क्यों है जब दोनों में ही हाइड्रोजन बंद है तो दोनों का घुमाव अलग अलग क्यों है सुनो इसमें हाइड्रोजन बंद एक ही श्रृंखला के मध्य है इसमें जो हाइड्रोजन बंद है वो एक ही श्रृंखला के मध्य है लेकिन बीटा प्लीटेड में जो हाइड्रोजन बंद होंगे बीटा प्लीटेड में जो हाइड्रोजन बंद होंगे वो दो के मध्य हैं इंटरमोलिक्यूलर यहां पर कौन सा हाइड्रोजन बंद होता है इंट्रा इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना इंट्रा का मतलब अंतरा। और यहां पर इंटरमोलिक्यूलर होता है कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों इंटरमोलिक्यूलर यानी अंतर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में है लेकिन दोनों में फर्क क्या है इसमें एक ही श्रृंखला एक के ही मध्य है मॉलिक्यूलर इनमें ये दो अलग अलग के बीच में है इंटरमोलिक्युलर फर्क है इसलिए यह हेलिकल रूप है कुंडलित रूप और इसलिए यह प्लीटेड यानी पट्टियों के रूप में है अब सुनो इसके उदाहरण सारा खेल है सर यह कहां देखने को मिलेगा आपके का, आपके नाखूनों में और बालों में कौन सा प्रोटीन होता है मैंने बताया था नाखूनों में और बालों में कौन सा प्रोटीन होता है कैरेटिन तो कैरेटिन में कैसी संरचना मिलती है यह ऐसी अल्फा हेलिक्स और मकड़ी होती है बच्चों मकड़ी में एक प्रोटीन बनता है मकड़ी से फिब्रोइन यह मकड़ियां भी बनाती है और रेशम का जो कृमि है सिल्क वम भी बनाता है तो यह फिब्रोइन जो प्रोटीन है इसमें कौन सी संरचना मिलती है बीटा प्लीटेड तो मकड़ियों के जाले में जो प्रोटीन होता है रेशम के कृमि से जो सिल्क फिब्रोइन प्रोटीन मिलता है उस फिब्रोइन प्रोटीन में कौन सी संरचना होगी बीटा प्लीटेड और आपके नाखूनों में और बालों में जो प्रोटीन होता है कैरेटिन उसकी द्वितीय संरचना कौन सी होती है एल्फा हेलिक्स तो अब वापस सुनो क्या बात हो रही है देखो समझ आ जाना चाहिए याद तो आप रख लोगे है क्या सर सवाल क्या आएगा एल्फा हेलिक्स किस में देखा जाएगा आंसर आप कर दोगे कैरेटिन बीटा प्लीटेड किस में देखा जाता है आंसर आप कर दोगे फिब्रोइन एल्फा और बीटा प्लीटेड किस तरह की संरचनाएं हैं द्वितीय संरचना है द्वित कौन सा बंद काम कर रहा है हाइड्रोजन बंद सब ठीक है लेकिन एक पिक्चर तो बननी चाहिए ना आंख बंद करो और प्रोटीन की संरचना आपके दिमाग में घूमे तभी तो मजा है तो अब आंख बंद करके सुनो जब प्रोटीन बना जब प्रोटीन अमीन अम्ल की श्रृंखला बनी तो कौन सी संरचना बनी प्राथमिक जब प्रोटीन की श्रृंखला बनी कौन सी संरचना बनी प्राथमिक फिर जगह जगह पर जगह जगह पर प्रोटीन घुमा जगह जगह पर प्रोटीन घूमने लगा क्यों घूमने लगा हाइड्रोजन बंद के कारण तो जगह जगह पर जब वो घूम रहा है स्थानीय घुमाव है तो कौन सी संरचना सेकेंडरी संरचना द्वितीय इसमें अगर एक ही श्रृंखला के मध्य हाइड्रोजन बंद है तो अल्फा हेलिक्स और अलग अलग के मध्य है तो बीटा प्लीटेड ठीक है भाई अब एक चीज सुन लो एक चीज बता रहा हूं ये जो हेलिक्स होता है ना बच्चों कुंडलित ये कुंडलित तो वैसे दो प्रकार का हो सकता है ठीक है क्या है दो एक तो होता है राइट हैंडेड हेलिक्स और एक होता है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स ठीक है जब आप पढ़ोगे तो ये हेलिक्स भी दो प्रकार के होते हैं अल्फा बच्चों एक तो राइट हैंडेड हेलिक्स होता है और एक लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है तो राइट और लेफ्ट का मतलब क्या होता है सिंपल सी बात सुनो घड़ी की सुई होती है बच्चों घड़ी की सुई क्लॉकवाइज दिशा घड़ी की सुई दिश, दिशा में घूमती है तो घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उसे राइट हैंडेड हेलिक्स कहते हैं मतलब आप चक्की है ना चक्की घुमाई है अरे जेल नहीं गए हैं पर चक्की तो घुमाई होगी कभी तो चक्की अगर आप क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहे हो उस तरह से घूम रहा है सिस्टम तो वो राइट हैंडेड हेलिक्स है और अगर आप उल्टा उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहे हो उल्टा तो वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है ठीक है अब अपने जीवित तंत्र में मतलब कोई भी कोशिका में कोई भी सजीव तंत्र के अंदर जो प्रोटीन्स मिलते हैं ना वो हमेशा राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं है। प्राकृतिक रूप से ये देखा गया है ऐसा देखा गया है कि जितने भी प्रोटीन हम लोग सजीव तंत्र में पढ़ते हैं कोशिका में पढ़ते हैं उसमें कैसा हेलिक्स देखा जाता है राइट right हैंडेड हेलिक्स देखा जाता है तो इतना मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर मैं पॉइंट लिख देता हूं द्वितीयक संरचना से संबंधित तो द्वितीयक संरचना से संबंधित दो तीन नोट आपको ध्यान में रखने हैं एक तो सजीव तंत्र में केवल राइट हैंडेड हेलिक्स पाए जाते हैं सजीव तंत्र में केवल कौन से हेलिक्स मिलेंगे बच्चों राइट हैंडेड हेलिक्स और काफी बार अगर आपको साइज निकाली ना हो ना बच्चों ये देखो इसके बीच में ये साइज होती है इसकी 5.4 पॉइंट ये जो घुमाव है ना बच्चों एक हेलिक्स वाला ये एक जो हेलिक्स है यह 5.4 पॉइंट इसकी साइज होती है और सजीव तंत्र में केवल कौन से मिलेंगे राइट ठीक है भाई तो द्वितीयक संरचना आप सबको समझ आ गई होगी भाई द्वितीयक संरचना का मतलब है प्रोटीन की स्थानीय घुमाव उसमें मैंने आपको बता दिया अल्फा और बीटा प्लीटेड होता है इसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें इंटर मॉलिक्यूलर मतलब द्वितीयक संरचना में द्वितीयक संरचना में कौन सा बंध काम करेगा हाइड्रोजन बंध कौन सा बंध काम करेगा हाइड्रोजन बंध ठीक है हां श्रृंखला एक ही है भाई देखो प्रोटीन तो एक ही है बीटा प्लीटेड में लेकिन वो घूमने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दो श्रृंखलाएं हैं होती तो एक ही है ऐसा आभास मिलता है ठीक है बच्चों तो ये द्वितीयक संरचना की बात की अपन ने अब नेक्स्ट आएंगे अब नेक्स्ट आएगा तृतीयक अब काम की चीज आएगी भाई अब काम की चीज प्रोटीन की तृतीयक संरचना ठीक है भाई क्या हुआ प्रोटीन बना था ठीक है इमेजिन करना है प्रोटीन प्रोटीन को मान लो इंसान है बच्चा है प्रोटीन बना तो प्रोटीन में बना तो प्रोटीन की एक अमीनो अम्ल की श्रृंखला बनी अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखला बनी एन सिरे से सी सिरे तक तो वो प्राथमिक संरचना थी फिर वो जगह जगह से मुड़ा जगह से जगह जगह पर घूम गया कुछ कुछ जगह पर घूम गया क्या बन गई द्वितीयक संरचना लेकिन अभी तक प्रोटीन ने काम करना नहीं सीखा है ना आप प्रोटीन क्यों बना रहा है कोई भी कोशिका प्रोटीन क्यों बनाती है ताकि वो काम करे प्रतिरक्षा में काम करे स्थानांतरण में काम करे संरचना में काम करे एंजाइम्स के रूप में काम करे हॉर्मोन्स के रूप में काम करे प्रोटीन को तो काम करना है ना बनने से क्या फायदा बनने के बाद काम करेगा तभी तो फायदा है अरे भाई जन्म तो ले लिया आपने जीवन में पर जन्म लेने से आपका उद्देश्य जन्म लेना ही था क्या नहीं कार्य करना था सफल होना था सिलेक्ट होना है मेहनत करनी है यह काम है ना हमारा तो प्रोटीन का भी तो काम है उत्प्रेरण करना है स्थानांतरण करना है संरचना में योगदान देना है प्रतिरक्षा में काम करना है ग्राही के रूप में काम करना है तो वो कब करेगा वो तब करेगा जब उसकी तृतीय संरचना बन जाएगी कब करेगा जब उसकी तृतीय संरचना बनेगी और तृतीय संरचना का मतलब क्या सर तृतीय संरचना मतलब जब प्रोटीन पूरा का पूरा प्रोटीन फोल्ड हो जाएगा संपूर्ण प्रोटीन का थ्री डी संरचना जब बन जाएगी जब पूरा का पूरा प्रोटीन अपने ऊपर फोल्ड हो जाएगा पूरा का पूरा प्रोटीन घूम जाएगा तो उसे क्या कहेंगे तृतीयक संरचना तो तृतीयक संरचना का वैसे मतलब तो क्या हो गया भाई प्रोटीन की थ्री डी संरचना थ्री डी संरचना या आप कह सकते हो संपूर्ण प्रोटीन फोल्डिंग यानी जब संपूर्ण प्रोटीन फोल्ड हो जाता है तो भाई जब पूरा का पूरा प्रोटीन जब आप प्रोटीन प्रोटीन की थ्री संरचना संपूर्ण प्रोटीन फोल्डिंग जब संपूर्ण प्रोटीन फोल्ड हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं तृतीयक संरचना अब एनसीआरटी ने इसका डायग्राम भी दे रखा है आपको बच्चों हाँ देखें इधर यार एक सेकेंड थोड़ा मजा नहीं आया हम्म ये कुछ बात बनी ये देखो भाई पूरा का पूरा प्रोटीन मैंने घुमा दिया ठीक है ये देखो पूरा का पूरा प्रोटीन घूम जाता है जब पूरा का संपूर्ण प्रोटीन की ये थ्री संरचना है इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं बड़ा पतला लग रहा है ये ठीक है भाई तो यह आपके पास प्रोटीन की थ्री संरचना कहलाती है अब मैं इसका एक उदाहरण देता हूं बच्चों आपको ठीक है यह प्रोटीन की तृतीय संरचना तो मैंने बना दी अब आप लोग सोचते होंगे सर यह प्रोटीन फोल्ड कैसे होता है क्या होता है भाई अब सुनो एक बार एक करके सुनो उदाहरण के तौर पे अगर आपको कभी प्रोटीन फोल्डिंग समझनी है ना तो क्या करो एक टेस्ट ट्यूब में पानी ले लो ठीक है टेस्ट ट्यूब में पानी ले लो या एक्वा यान ले लो विलियन और उसमें एक प्रोटीन को डालो अब आप सोचो जब एक प्रोटीन को आपने जल में डाल दिया एक प्रोटीन को आपने एक में डाल दिया जिसमें जल ज्यादा है तो वो प्रोटीन क्या करेगा वो प्रोटीन अपने आप को स्थाई बनाने के लिए स्टेबल बनाने के लिए वो प्रोटीन अपने आप को फोल्ड करेगा पूरा पूरा ऐसा थ्री घूमेगा अब कैसे घूमेगा देखो प्रोटीन में तो ध्रुवीय अमीनो अम्ल भी होंगे और अध्रुवीय भी होंगे भाई प्रोटीन में तो बहुत तरह के अमीनो अम्ल होते हैं ध्रुवीय अमीनो अम्ल भी होंगे और अध्रुवीय भी होंगे तो जितने भी ध्रुवीय अमीनो अम्ल होंगे वो जल से अभिक्रिया करने के लिए सतह पर आ जाएंगे है कि नहीं जो भी जल ध्रुवीय अमीनो अम्ल हैं वो जल की जल से क्रिया करने के लिए सतह पर आ जाएंगे और जितने भी अमीनो अम्ल हैं वो सब केंद्र में आ जाएंगे जल से दूर भागने के लिए केंद्र में आ जाएंगे तो यही होता है तो हर प्रोटीन अपने आप को कैसे फोल्ड करता है जो ध्रुवीय अमीनो अम्ल है वो सतह पर आ जाएंगे जल से अभिक्रिया करने के लिए और जो अध्रुवीय अमीनो अम्ल है वो भीतर तो जाकर छुप जाएंगे तो एक तो तो प्रोटीन की फोल्डिंग तैयार हो जाएगी यानी थ्री डी संरचना तैयार हो जाएगी तो जब प्रोटीन और ये आने के बाद ही काम करेगा आप सोचो प्रोटीन बन गया उसकी प्राथमिक संरचना बनी वो काम करेगा क्या अरे नहीं उसने जगह जगह पर फोल्ड किया उसकी द्वितीय संरचना बनी अभी भी वो काम करेगा क्या अरे नहीं जब उसकी तृतीयक संरचना बन जाएगी जब वो संपूर्ण रूप से फोल्ड हो जाएगा जब वो संपूर्ण रूप से स्थायी हो जाएगा तभी तो काम करेगा भाई सेम हमारे जैसे हमारा जीवन है ना वैसे ही प्रोटीन का जीवन है भाई आप पैदा हुए बच्चा पैदा हुआ प्राथमिक संरचना लेकर फिर उसने हल्का चलना सीखा हल्का हाथ पैर मोड़ने सीखे गर्दन हिलानी सीखी ये द्वितीयक संरचना आई फिर वो बड़ा हुआ बड़ा होकर उसने जीवन की शैली समझी मेहनत करना सीखा उसने और वो संपूर्ण फोल्ड हुआ तृतीय संरचना अब जाकर वो मेहनत करेगा अब जाकर वो सफल होगा अब जाकर वो काम करेगा तो अब उसकी तृतीय संरचना के बाद ही वो काम कर पाएगा ठीक है तो अब क्या है भाई प्रोटीन की थ्री संरचना मैंने आपको बता दी ये रही प्रोटीन की थ्री संरचना है प्रोटीन की थ्री संरचना या संपूर्ण प्रोटीन फोल्डिंग को क्या कहते हैं तृतीयक संरचना अब इसमें अच्छा इसमें बंद कौन से हैं भाई सर इसमें कौन कौन से बंद कौन कौन से हैं फोर्सेस कौन कौन सी हैं अब इसमें एक जैसे प्राथमिक संरचना थी बच्चों प्राथमिक संरचना में तो पेप्टाइड बंद थे प्राथमिक संरचना में मैंने बताया था कौन से बंद हैं पेप्टाइड बंद हैं द्वितीयक संरचना द्वितीयक संरचना जो है उसमें हाइड्रोजन बंद थे प्राथमिक संरचना में पेप्टाइड बंद द्वितीयक संरचना में हाइड्रोजन बंद तृतीयक में तो ऐसे भर भर के बंद होंगे अरे बहुत सारे बंद होंगे भाई हाइड्रोजन बंद होगा हाइड्रोफोबिक अभिक्रियाएं होंगी केमिस्ट्री में पढ़ते हो वॉन्डर वॉल फोर्सेस वो होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ये केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो ना बच्चों तो केमिकल बॉन्डिंग में आप ये गैर संयोजी बंद पढ़ते होंगे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स हाइड्रोजन बंद वॉन्डर वॉल फोर्सेज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हाइड्रोफोबिक एंट्रैक्शन ये सारे नॉन कोवेलेंट बंद इसमें भी पान जाते हैं तो कौन कौन से कौन कौन से भाई बंद तो यहां पर भी हाइड्रोजन बंद होंगे हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक का मतलब पता है ना जल से घबराने वाले हाइड्रोफोबिक अभिक्रियाएं होंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक अभिक्रियाएं होंगी वॉन्डरवॉल फोर्सेज होंगे और डायसल्फाइड बंद भी होंगे बच्चों याद रखना हां डायसल्फाइड बंद भी होंगे अब आप बोलोगे सर ये डायसल्फाइड बंद कहां से आए डायसल्फाइड बंद कहां से आए तो डायसल्फाइड बंद मीथियोनिन और सिस्टीन में सल्फर होता है मीथियोनिन और सिस्टीन में सल्फर होता है तो सल्फर और सल्फर के मध्य क्या बनेगा भाई डायसल्फाइड बंद तो ये सारे बंद आपके पास किसमें मिलेंगे द्वितीयक संरचना में सारे के सारे बंद किसमें मिलेंगे दाया। अब आप बिल्कुल तो याद रखना बच्चों प्राथमिक संरचना प्राथमिक संरचना में पेप्टाइड बंद थे पेप्टाइड बंद मजबूत बंद थे कोवेलेंट बंद देखो बच्चों थोड़ी केमिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए ठीक है ना इतना मैं मान के चल रहा हूं कि आपको बंध के बारे में तो मालूम ही है यार केमिकल बॉन्ड आप पढ़ते हो ना केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री में उसमें आप सबसे मजबूत बंद पढ़ते हो आयनिक बंद पढ़ते हो तो आयनिक बंद तो बायोलॉजी में हम नहीं पढ़ते आयनिक के बाद दूसरे मजबूत बंद कौन से होते हैं कोवेलेंट बंद जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं वो पेप्टाइड बंद जो है वो कोवेलेंट बंद का उदाहरण है मजबूत है और और सबसे कम मजबूत कौन से होते हैं ये आपके हाइड्रोजन बंद वॉन्डर ये सारे ये सब क्या हैं नॉन कोवेलेंट इतना तो केमिकल बॉन्डिंग आपको पता होनी चाहिए भाई 11 ट्वेल्थ में इतना बेसिक्स तो पता होना चाहिए सबको ठीक है ना तो वो नॉन कोवेलेंट बंद सारे तृतीय संरचना में है लेकिन एक डायसल्फाइड बंद भी कोवेलेंट बंद होते हैं याद रखना डायसल्फाइड बंद भी कोवेलेंट बंद होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो प्राथमिक संरचना में सबसे मजबूत बंद है अरे नीव मजबूत होनी चाहिए ना सबसे पहले तो नीव प्राथमिक संरचना में सबसे मजबूत कोवेलेंट बंद है फिर द्वितीयक संरचना में अतिरिक्त क्या आ गए हाइड्रोजन बंध तो पेप्टाइड बन तो रहे लेकिन पेप्टाइड बन को अपन ने प्राथमिक संरचना में गिन लिया द्वितीय संरचना में फिर हाइड्रोजन बंद आए और तृतीय में ये सारे बंध भी आ गए ठीक है और तीसरी चीज और तीसरी चीज प्रोटीन की क्रिया के लिए प्रोटीन के कार्य के लिए कौन सा बंध संरचना जरूरी तृतीयक संरचना तो प्रोटीन की क्रिया प्रोटीन के कार्य हेतु तृतीयक संरचना ही आवश्यक होती है तृतीयक संरचना आवश्यक होती है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई एक प्रोटीन बन तो गया सर उसकी प्राथमिक संरचना भी बन गई पर वो काम करेगा क्या नहीं सर उसके बाद हमने उसकी द्वितीयक संरचना भी बना दी सर अभी भी वो काम करेगा क्या भाई अरे नहीं जब उसकी तृतीयक संरचना बन गई जब उसकी तृतीयक संरचना टर्शरी स्ट्रक्चर बन गया पूरा प्रोटीन फोल्ड हो गया उसकी थ्री आकृति बन गई अब वो काम करेगा ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भाई प्लस और माइनस भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब प्लस और माइनस के, के मध्य अभिक्रिया हो रही है कुछ धनात्मक रूप से आवेशित अमीनो अम्ल हैं कुछ ऋणात्मक रूप से आवेशित अमीनो अम्ल है वो अभिक्रिया कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ठीक है तो प्रोटीन की क्रिया या कार्य हेतु किसकी जरूरी है तृतीय संरचना आवश्यक होती है अब दो तीन नई चीजें सुनो सुनो अब एक शब्द आता है अब एक शब्द आता है प्रोटीन विकृतिकरण क्या आता है एक शब्द प्रोटीन विकृतिकरण या जिसे हम कहते हैं थ्री संरचना ठीक है अब क्या आता है सर सुनो तो सही अब एक शब्द आता है प्रोटीन डी प्रोटीन विकृतीकरण सुना होगा आपने यह नाम प्रोटीन डी या विकृतीकरण सुनो तो सही अब पहली चीज प्रोटीन विकृतीकरण या प्रोटीन डीनेचरेशन का मतलब है प्रोटीन का कार्य खत्म हो जाना प्रोटीन का निष्क्रिय हो जाना प्रोटीन का काम ना कर पाना है ना मतलब हम कोई भी प्रोटीन है वो प्रोटीन जब कार्य नहीं कर पा रहा प्रोटीन का कार्य निष्क्रिय हो गया उसे कहते हैं विकृतिकरण अब अगर प्रोटीन काम नहीं कर पा रहा अगर प्रोटीन निष्क्रिय हो गया इसका मतलब उसकी तृतीयक संरचना नष्ट हो गई इसका मतलब उसकी टर्सरी स्ट्रक्चर उसकी जो फोल्डिंग है वो खराब हो गई अब ऐसा कैसे होता है सर यह कहां होता है होता है आपने एक प्रोटीन को हीट कर दिया उच्च तापमान पर है ना आपने एक प्रोटीन को उच्च तापमान पर हीट कर दिया या आपने एक प्रोटीन का जो पीएच जिस पीएच पर वो रहता है उस पीएच में परिवर्तन कर दिया तो पीएच में परिवर्तन कर देने पर अधिक तापमान दे देने पर वो प्रोटीन क्या हो जाता है विकृतिकृत आप सोचो आप सोचो यार देखो मेरी बात सुनो मजे लो सीखने में मजे लो पेप्सिन एंजाइम सबको मालूम है अरे पेप्सिन एंजाइम जो जो है अमाशय में मिलती है वो अमाशय में काम करती है उसको आप छोटी आंत में भेज दो तो वो काम करेगी क्या उस पेप्सिन एंजाइम को आप लार में रख दो तो वो काम करेगी क्या नहीं करेगी ना क्यों नहीं करेगी क्योंकि पेप्सिन एंजाइम तो अम्लीय पीएच पर काम करने के लिए बनी है उसकी तृतीयक संरचना अम्लीय पीएच पर काम करती है छोटी आंत में तो उसको शारिय पीएच मिलेगा पीएच बदल दोगे उसका तो वो विकृतिकृत हो जाएगी काम नहीं कर पाएगी लार में टाइल्स, अमाइलेज मिलती है लार में टाइलिन एंजाइम मिलती है जो 6.8 पीएच पर काम करती है वो अमाइलेज अमाशय में काम क्यों नहीं करती भाई क्योंकि उसकी तृतीयक संरचना 6.8 पॉइंट पीएच पर काम करती है लेकिन जब अमाशय में अम्लीय पीएच मिलता है तो वो काम नहीं करती क्योंकि पीएच में परिवर्तन होते ही उनका तृतीयक संरचना नष्ट हो जाती है वो काम नहीं कर पाती ठीक है तो ये चीज हाई तो विकृतिकरण क्यों हो रहा है समझ आ रही है तो प्रोटीन विकृतिकरण का मतलब है प्रोटीन के कार्य का नष्ट या निष्क्रिय हो जाना किस कारण भाई पीएच अथवा तापमान में परिवर्तन के कारण ठीक है तो पीएच या तापमान में परिवर्तन के कारण जो है वो कार्य जब नष्ट हो जाता है या निष्क्रिय हो जाता है तो उसे कहते हैं विकृतिकरण और विकृतिकरण में क्या होगा विकृतिकरण में नोट तो विकृतिकरण में सुन लेना विकृतिकरण में तृतीयक एवं द्वितीयक संरचना नष्ट हो जाती है तृतीयक व द्वितीयक संरचना नष्ट हो जाती है विकृतिकरण में क्या होगा तृतीयक और द्वितीयक संरचना नष्ट हो जाती है अब सुनो 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 लेकिन जब आप स्थिति को वापस सामान्य कर देते हो मान लो एक एंजाइम है वो एंजाइम 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम कर रही है आपने उस एंजाइम को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा विकृतिकृत हो गई काम नहीं करेगी तृतीय संरचना द्वितीय संरचना नष्ट हो गई काम नहीं करेगी अब उस एंजाइम को आपने वापस तीस डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दिया वापस जहां पर वो थी उसको वापस वहां पर रख दिया वापस उसी तापमान पे रख दिया अब वो काम कर जाएगी ऐसा कैसे वो इसलिए क्योंकि उसकी प्राथमिक संरचना नहीं बदली अरे भाई जीवन में एक बार असफल हो गए एक बार चयन नहीं हुआ एक बार नीट का एग्जाम दिया नहीं निकला समझ आ गई सीख ले ली अब अगली बार और मेहनत करोगे जम के मेहनत करोगे और निकलोगे तो वापस क्योंकि आपकी नींव मजबूत थी नीव चीजों को समझा हुआ था चीजों को जाना हुआ था खमी कमियों की मालूम था कमियों के बारे में ठीक है तो वापस असफल हो जाओगे तो नीव मजबूत थी ना प्राथमिक संरचना तो वैसी थी प्राथमिक संरचना में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटा तो अगली बार जब आप वापस उसको सही तापमान दोगे वापस सही पीएच दोगे तो उसका प्राथमिक संरचना से वापस द्वितीयक बनेगा वापस तृतीयक बन जाएगा और वो काम करने लग जाएगी इसका मतलब जब सामान्यतः विकृतिकरण होता है तो तृतीयक और द्वितीयक संरचना तो नष्ट हो जाती है प्राथमिक संरचना सामान्यतः प्रभावित नहीं होती इसलिए वापस वो क्रियाशील हो सकता है तो कौन सी संरचना प्रभावित नहीं होती भाई प्राथमिक संरचना सामान्यतः अप्रभावित रहती है अरे भाई बताओ भाई समझ आ रहा है कि नहीं सबको मजा आ रहा है सीखने को मिल रहा है ना सीखना है अरे एंट्रेंस तो बहुत आसान हो जाएगा सवाल सब आसानी से हो जाएंगे समझ लिया ना अगर एक टॉपिक का निचोड़ समझ लिया बेसिक उसको मजे लेकर सीख लिया लॉजिक अप्लाई कर दिया कॉमन सेंस से समझ ली चीज तो फिर कुछ एंट्रेंस टफ नहीं है बहुत आसान है एक भी सवाल गलत नहीं होगा याद रखना यह चैप्टर है ना जय वणु यह जय वणु आपके केमिस्ट्री में भी है याद है आपको आपके ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में भी जय वणु का चैप्टर है तो आपको नीट में बायोलॉजी में तो दो सवाल इससे आएंगे केमिस्ट्री के जो एक दो सवाल आएंगे ना वो भी मैं तैयार करवा दूंगा आप लोगों के तो ये नीट में बायोमोलिक्यूल से चार प्रश्न आएंगे दो प्रश्न तो बायोलॉजी में आएंगे और दो प्रश्न केमिस्ट्री में आएंगे चारों सॉल्व हो जाएंगे आपके इस मेरे पास ठीक है चलो भाई बढ़िया बढ़िया तो प्रोटीन विकृतिकरण में तृतीयक और द्वितीयक संरचना नष्ट हो गई बच्चों और प्राथमिक संरचना जो है वो सामान्यतः अप्रभावित रहती है ठीक है अब सुन लो अब सुन लो प्रोटीन के कार्य को नष्ट निष्क्रिय हो जाना प्राथमिक अब एक मैं नई चीज बता रहा हूं ध्यान से सुनना प्रोटीन के कार्य के लिए क्या जरूरी है प्रोटीन के कार्य के लिए प्रोटीन के कार्य के लिए तृतीयक संरचना जरूरी है और तृतीयक संरचना या फोल्डिंग के लिए क्या जरूरी है प्राथमिक संरचना आई बात समझ में भाई प्रोटीन का कार्य किस पर निर्भर है तृतीय संरचना पर अरे लेकिन वो तृतीय संरचना या फोल्डिंग किस पर निर्भर है अमीनो अम्ल के क्रम प्राथमिक संरचना पर तो अब यहां पर वो नोट लिख लू मैं ठीक है भाई यहां पर क्या है कि भाई प्रोटीन का कार्य जो है प्रोटीन का कार्य तृतीयक संरचना पर निर्भर है ठीक है और प्रोटीन फोल्डिंग या तृतीयक संरचना जो है वो प्राथमिक संरचना यानी अमीनो अम्ल क्रम पर निर्भर है ठीक है तो या हा बिल्कुल अरे टाइम सेकंड्स में होता है ये काम प्राथमिक से द्वितीयक द्वितीयक से तृतीयक सेकंड्स में मिनटों में प्राथमिक से द्वितीयक द्वितीयक से तृतीयक संरचना बनती है भाई कोई दिन महीने थोड़ी लगते हैं सेकंड्स में मिनटों में काम होता है ये ठीक है भाई अच्छा अब यह मैंने बता दिया ये तो प्रोटीन फोल्डिंग हो गई अब फोल्डिंग के आधार पर सुनो बच्चों ये जो प्रोटीन फोल्डिंग है ना फोल्डिंग के आधार पर हम दो प्रकार के प्रोटीन पढ़ते हैं बच्चों फोल्डिंग के आधार पर दो तरह के दो तरह के संरचना अपन पढ़ेंगे बच्चों ये तो अंग्रेजी में आपको याद रखनी पड़ेगी एक होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन और एक होते हैं रेशिया यानी फाइब्रस प्रोटीन्स ठीक है भाई तो जो प्रोटीन का घुमाव है ना प्रोटीन की ये जो थ्री फोल्डिंग है फोल्डिंग के आधार पर दो तरह के प्रोटीन हम पढ़ते हैं फोल्डिंग के आधार पर कितने तरह के प्रोटीन हम पढ़ेंगे बच्चों दो एक तो ग्लोब्यूलर और फाइब्रस बहुत आसान है जो गोलाकार होते हैं प्रोटीन जो गोलाकार हैं यानी स्फेरिकल हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है और फाइब्रस मतलब रेशे के रूप में है तंतुमय रेशे के रूप में जो प्रोटीन्स हैं वो फाइब्रस प्रोटीन्स ये जल में घुलनशील होते हैं और ये जल में अघुलनशील होते हैं ठीक है प्रोटीन फोल्डिंग का मतलब अरे भाई प्रोटीन जब घूम रहा है फोल्डिंग मतलब घुमाव प्रोटीन का अच्छा ये भी क्वेश्चन है सर प्राथमिक संरचना क्यों नहीं बदलती अरे भाई प्राथमिक संरचना में पेप्टाइड बंद है कोवेलेंट बंद है जो मजबूत है और मजबूत बंद जो होते हैं वो पीएच और तापमान से आसानी से नहीं टूटते हाइड्रोजन बंद है वैंडरवॉल फोर्सेस हैं ये तो कमजोर बंद है ना तो थोड़ा सा पीएच चेंज होते ही तापमान चेंज होते ही टूट जाते हैं लेकिन पेप्टाइड बंद कोवेलेंट बंद है मजबूत बंद है इसलिए आसानी से पीएच और तापमान से नहीं टूटते ठीक है तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं उनका आकार क्या होगा बच्चों स्फेरिकल आकार स्फीयर होता है ना गोलाकार स्फेरिकल शेप है और ये रेशे या तंतुमय रूप या पट्टियों के रूप में ये जल में घुलनशील होते हैं ये जल में अघुलनशील होते हैं ठीक है इसपे अगर क्वेश्चन आता है बच्चों तो इस पे सिर्फ इसपे सिर्फ उदाहरण पे क्वेश्चन आता है इनपे कभी भी क्वेश्चन आएगा तो उदाहरण तो आपको याद रखना है आपकी जो एंजाइम्स हैं प्रतिरक्षा वाले एंटीबॉडीज हैं आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है ये सब तो ग्लोबुलर प्रोटीन के उदाहरण हैं और फाइब्रस में आपका ये कैरेटिन है नाखूनों वाला ये कोलेजन है ये तो आपके पास फाइब्रस या रेशिया प्रोटीन्स हैं। तो फोल्डिंग जब प्रोटीन घूमता है ना तृतीय संरचना में प्रोटीन घूमेगा फोल्ड करेगा तो फोल्ड करने पर या तो वो गोलाकार लेगा और या वो रेशे या तंतुमय रूप लेगा अगर वो रेशे या तंतुमय रूप लेता है जल में होता है, तो वो प्रोटीन कहलाता है और ये घुलनशील ठीक है भाई तो ये अपन ने फोल्डिंग के आधार पर यानी घुमाव फोल्ड मतलब घुमाव के आधार पर ये प्रोटीन के दो भाग अपन ने पढ़ लिए अब प्राथमिक संरचना पढ़ ली द्वितीयक संरचना पढ़ ली तृतीय संरचना पढ़ ली अब आखिरी में क्या आएगी भाई चतुर्थ आखिरी कौन सी संरचना आएगी हमारे पास चतुर्थ संरचना आती है अब अपने पास आखिरी में कौन सी आएगी भाई चतुर्थ संरचना क्वार्टनरी स्ट्रक्चर अब स्फेरिकल मतलब गोलाकार स्पीय होता है ना भाई पिंडीय रूप क्या कहते हो स्फेरिकल को स्पीयर को हिंदी में क्या कहोगे गोलाकार गोल आ, यार इसकी हिंदी क्या होती है बच्चों बताना तो स्पीयर को हिंदी में क्या कहते हैं यार कोई बता किसी को मालूम है क्या स्फियर को क्या कहते हैं गोल जैसी संरचना मतलब ये स्फियर ये है एक तरह का स्फीयर को हिंदी में क्या कहते हैं यार फुटबॉल का शेप देखा है फुटबॉल या रग्बी खेलते ना वैसा शेप देखा है गोल का गोलाकार वो स्फीयर होता है बच्चों गोला तो इसलिए तो कह रहा हूं गोलाकार शेप होता है भाई ठीक है अब सुनो चतुर्थ संरचना अब आप बोलोगे सर जब प्रोटीन ने काम करना कर दिया चालू प्रोटीन के काम के लिए प्रोटीन के कार्य के लिए तृतीय संरचना ही चाहिए तो फिर चतुर्थ संरचना का क्या करेंगे भैया फिर चतुर्थ संरचना क्यों चाहिए हां तो चतुर्थ संरचना जो है क्वार्टनरी संरचना वो सारे प्रोटीन्स नहीं दर्शाते सारे प्रोटीन्स जो है ना वो चतुर्थ संरचना नहीं दर्शाते भाई हर प्रोटीन में प्राथमिक होगी द्वितीय होगी और तृतीय होगी चतुर्थ संरचना सभी प्रोटीन में नहीं मिलेगी भाई सभी में नहीं मिलेगी चतुर्थ संरचना केवल वही प्रोटीन्स दर्शाते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा श्रृंखलाएं हों। अगर एक प्रोटीन है जैसे मैं उदाहरण बताऊंगा आप लोगों को अगर एक प्रोटीन में एक ही श्रृंखला है एक ही अमीनो अम्ल की श्रृंखला है तो वो केवल प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक संरचना दर्शाएगा वो चतुर्थ संरचना नहीं दर्शाएगा भाई चतुर्संरचना तो केवल वही प्रोटीन दर्शाएंगे जिनमें दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हो ठीक है हाइड्रोफोबिक का मतलब अरे हाइड्रो मतलब जल फोबिया मतलब डर तो जल से डरने वाले लक्षण जो होते हैं जल से डरने वाले जो अमीनो अम्ल हैं अध्रुवीय उनके मध्य जो अभिक्रिया होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है तो चतुर संरचना क्या है बच्चों ध्यान रखनी है यह संरचना यह संरचना केवल वही प्रोटीन दर्शाते हैं जिनमें दो अथवा अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हों तो चतुर संरचना क्या है बच्चों चतुर संरचना केवल वही प्रोटीन दर्शाते हैं जिनमें दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हो मतलब कैसे इधर देखो कैसे ये आपके पास एक प्रोटीन और ये दूसरा है कि नहीं ये दो अलग अलग श्रृंखलाएं हैं तो दो अलग अलग श्रृंखलाएं जिन प्रोटीन में होंगी वही क्या दर्शाएंगे चतुर्थ संरचना वही क्या दर्शाते हैं क्वाटनरी स्ट्रक्चर इसका सबसे कॉमन उदाहरण है हीमोग्लोबिन इसका सबसे कॉमन उदाहरण है हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में चार श्रृंखलाएं होती हैं बच्चों हां पढ़ेंगे इसको अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी में विस्तार से चार श्रृंखलाएं कौन सी होती हैं दो अल्फा और दो बीटा श्रृंखलाएं होती हैं तो दो से ज्यादा श्रृंखलाएं दो या दो से ज्यादा श्रृंखलाएं जिनमें होंगी वो आपके पास क्या दर्शाते हैं चतुर्थ सब में होती ही नहीं है अच्छा अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं और ये चीज है ना आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी मेरी गारंटी है किसी ने नहीं बताई होगी सुनो एक जबरदस्त चीज बताता हूं बच्चों आप लोगों को आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए बता रहा हूं इंस्युल है ठीक है इंसुलिन में दो पेप्टाइड श्रृंखला होती है बच्चों सुनना अब एक ज्ञान की बात बता रहा हूं सुनना ज्ञान की बात बहुत इंपॉर्टेंट दो पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं बच्चों इसमें भी ए और बी पेप्टाइड ठीक है इंसुलिन में दो पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं एक सेकंड सुनो इसमें ए पेप्टाइड जो है उसमें होते हैं 21 अमीनो अम्ल और बी पेप्टाइड होती है उसमें होते हैं 30 अमीनो अम्ल ये सबको पता होगा ठीक है ये ए पेप्टाइड ये बी पेप्टाइड होती है और इनके बीच में ये डायसल्फाइड बंद होते हैं ठीक है ये ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड ठीक है जहां कहीं भी आप पढ़ोगे या आप किसी सर टीचर से पूछना बच्चों किसी टीचर से पूछोगे कि सर इसमें द्वितीय इसमें चतुर्थ संरचना होगी क्या तो हां बोलेंगे लोग लोग बोलेंगे हां होगी भाई दो पेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं दो श्रृंखलाएं हैं तो ये चतुर्थ संरचना दर्शाती है लेकिन नहीं दर्शाती इंसुलिन चतुर्थ संरचना नहीं दर्शाती क्यों क्योंकि दोनों के मध्य दोनों श्रृंखलाओं के मध्य डायसल्फाइड बंद हैं और डायसल्फाइड बंद तृतीयक संरचना का उदाहरण है तो यह एक अपवाद है इंसुलिन में कहने के लिए दो पेप्टाइड श्रृंखला हैं लेकिन दोनों के मध्य डायसल्फाइड बंद होता है जो तृतीय संरचना का लक्षण है तृतीयक संरचना का इसलिए इंसुलिन चतुर्थ संरचना नहीं दर्शाती सुन लेना इंसुलिन में चतुर्थ संरचना नहीं देखी जाती भाई नहीं देखी जाती क्यों क्योंकि इसमें डायसल्फाइड बंद हैं तो लगता तो है सर इंसुलिन में भी तो दो पेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं इसमें भी चतुर्थ होगी लोग आपको कह भी देंगे हाँ होती है होती है लेकिन सर्च मारना ढंग से पढ़ना दोनों के मध्य डायसल्फाइड बंद होते हैं इसलिए इसमें चतुर संरचना नहीं है चतुर संरचना हीमोग्लोबिन में याद रखना ठीक है बच्चों तो ये हम प्रोटीन संरचना पूरी कर दिए भाई प्रोटीन प्राथमिक द्वितीय तृतीय चतुर संरचना सारी मैंने आपको बता दी है एक और चीज बताता हूं आपको ठीक है एक और इन्फॉर्मेट नई चीज बताता हूं बच्चों एक शब्द होता है शैपेरॉन्स ठीक है एक नई चीज है सुन लो मजा आएगा शैपेर क्या होते हैं बच्चों ये एक प्रोटीन होते हैं पहले और ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो दूसरे प्रोटीन को घुमाव देने में दूसरों दूसरे प्रोटीन में सुनना दूसरे प्रोटीन्स को फोल्ड करने में घूमने में मदद करने वाले प्रोटीन्स क्या कहलाते हैं शैपेरॉन्स ठीक है नीचे क्या लिखा है भाई नीचे बी पेप्टाइड लिखा है बेटा ये लो यार थोड़ी यार हैंडराइटिंग तो मेरी बी पेप्टाइड है ए और बी पेप्टाइड भाई इक्कीस अम्ल और तीस इक्यावन अम्ल का होता है ये मायोग्लोबिन में एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है बच्चों मायोग्लोबिन जो पेशियों में होता है उसमें एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होगी तो वो भी चतुर संरचना नहीं दर्शाएगा चतुर संरचना में आप सिर्फ हीमोग्लोबिन याद रखिएगा भाई बाकी नहीं है मायोग्लोबिन में नहीं क्योंकि एक ही पॉलीपेपटाइड श्रृंखला होती है तो अब मैंने क्या कहा मैंने आपको एक नहीं कहा एक शैपेरॉन्स शब्द दिया मैंने आपको क्या शब्द यूज कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए ध्यान रखना बच्चों शैपेरॉन्स ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोटीन्स हैं। ये भी प्रोटीन होते हैं बच्चों लेकिन ये ऐसे प्रोटीन्स जो हैं ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं बच्चों ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो अन्य प्रोटीन्स को फोल्ड करने में मदद करते हैं तो शैपेरॉन्स क्या होते हैं ऐसे विशिष्ट प्रोटीन्स ऐसे विशिष्ट प्रोटीन्स जो अन्य प्रोटीन को फोल्ड यानी घूमने में मदद करते हैं तो ऐसे विशिष्ट प्रोटीन जो अन्य प्रोटीन्स को फोल्ड करने में या घूमने में मदद करते हैं उसे हम क्या कहते हैं शैपेरो अच्छा एक क्वेश्चन अच्छा है सर कि ये सर चतुर संरचना में बंद कौन से होंगे सारे गैर संयोजी बच्चों सारे नॉन कोवेलेंट बंद होंगे चतुर्थ संरचना में भी दोनों श्रृंखलाओं को स्थायी रखने में सारे गैर संयोजी हो बंद होंगे ठीक है ये अच्छा क्वेश्चन भाई अरे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या होती है अमीनो अम्ल की श्रृंखला भाई अमीनो अम्ल की श्रृंखला को ही पॉलीपेप्टाइड कहते हैं पढ़े थे ना फिर अमीनो अम्ल जुड़ते रहेंगे तो उसी को तो पॉलीपेप्टाइड कहते हैं ठीक है भाई तो ये आपको शैपेरॉन्स का सिस्टम है वो मैंने बता दिया यहां पर और ध्यान रख सकते हो आप कि यहां पर बंध कौन से होंगे चतुर्थ में भी बिल्कुल मैं लिख देता हूं यहां पर गैर सहस गैर मतलब नॉन कोवेलेंट बंध इसमें कोई कोवेलेंट बंध नहीं आएगा भाई यहां रखना डायसल्फाइड तो कोवेलेंट बंद है डायसल्फाइड बंद कोवेलेंट बंद होता है याद रखना तृतीय संरचना में एक कोवेलेंट बंद होता है डायसल्फाइड ठीक बच्चों तो ये हमने किसकी बात कर ली प्रोटीन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया भाई प्रोटीन से संबंधित सारे लक्षण हमने देख लिए ठीक है अलग अलग प्रोटीन्स अलग अलग कार्य करेंगे कोई प्रतिरक्षा में काम करेगा कोई एंजाइम्स के रूप में काम करेगा कोई स्थानांतरण में काम करेगा हर प्रोटीन अलग अलग कार्य करता है डायसल्फाइड बंद जो है डायसल्फाइड बंद जो है वो कोवेलेंट बंद है डायसल्फाइड बंद कोवेलेंट बंद है याद रखना अब आपके पास ये तो प्रोटीन से संबंधित लक्षण हमने देख लिए भाई अब आज क्या चालू करेंगे नया प्रोटीन्स के बाद आज हम बात करेंगे अब कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोटीन्स के बाद आज हम किसकी बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की ठीक है तो अब ध्यान रखेंगे भाई प्रोटीन्स तो अपन ने पढ़ लिए अमीनो अम्ल भी पढ़ लिए प्रोटीन्स भी हमने पढ़ लिए अब किसकी बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट ये आसान है सबसे पहले तो अच्छा शैपरॉन का उदाहरण देखना है बच्चों आ जाओ शैपरॉन का उदाहरण भी देखना चाहते हो आप उदाहरण भी लिख देता हूं मैं आपके लिए एच एस पी अब उदाहरण तो क्या लिख लो भाई एक प्रोटीन होते हैं हीट शॉक प्रोटीन ये चाहो तो आप उदाहरण है भाई ये शैपेन का एक उदाहरण है ये एक प्रोटीन है हीट शॉक प्रोटीन नाम है ये एक शैपेन है जो अन्य प्रोटीन को घुमाने में फोल्ड करने में मदद करता है ठीक है भाई तो ये हमने किसकी बात कर ली अरे क्या बात क्या से सवाल अरे क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड तो कहां से आएंगे भाई पेप्टाइड बंद तो प्राथमिक संरचना में आते हैं पेप्टाइड बंद प्राथमिक संरचना में आएंगे कहां क्वार्टनरी में आएंगे भाई क्वार्टनरी में कह रहा हूं नॉन कोवेलेंट बॉन्ड आएंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड कहां से आ जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड तो प्राथमिक संरचना में आ गया ना वापस कहां से आ जाएगा भाई ठीक है अब कार्बोहाइड्रेट सुनो भाई क्या होते हैं अब देखो आपने अगर आठवीं नब्वी दसवीं में पढ़ा होगा सर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने यौगिकों को, को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं तो ये आठवीं नब्वी दसवीं की परिभाषा है भाई ठीक है नीट एग्जाम के लिए हमको ये परिभाषा काम नहीं करेगी काम नहीं करेगी तो ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं अब सुनो ग्लूकोस फ्रक्टोज़, गैलेक्टोज़, सुक्रोज़, माल्टोज़, लैक्टोज़, स्टार्च ग्लाइकोजन काइटिन ये सारे नाम सुने हुए हैं ये सब किस्में हैं ये सब किस्में हैं कार्बोहाइड्रेट्स ये जितनी भी शक्करा के मैंने उदाहरण लिए स्टार्च काइटेन सेल्यूलोस ग्लाइकोजन ये सब क्या हैं कार्बोहाइड्रेट्स तो कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे पहले तो परिभाषा देखनी है सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स की क्या देखनी है परिभाषा तो आपको इतना तो सबको मालूम होगा बच्चों ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना तो सबको मालूम होगी सी इतना तो मुझे पता है आपको पता ही है तो अगर आपने ग्लूकोज की संरचना याद करो या फ्रक्टोज की संरचना याद करो तो उसमें आपने देखा होगा कई सारे ओ OH समूह होते हैं कई सारे ओ OH समूह होते हैं और उसके साथ एक क्रियात्मक समूह या तो एल्डिहाइड होता है जैसे ग्लूकोज में सी एच ओ समूह होता है और फ्रक्टोज में CO कीटोन समूह होता है. है कि नहीं तो कार्बोहाइड्रेट्स की अब परिभाषा क्या हो गई भाई पॉलीहाइड्रॉक्सी एलडी अथवा कीटोन्स पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन्स अथवा उनसे व्युत्पित योगिक को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या हो गई भाई जैसे ग्लूकोज देखो बच्चों ग्लूकोज होता है C6H12O6। आपने देखा होगा ग्लूकोज में एक दो तीन चार पांच छ OH, एच OH, ओ कीटोन oh, भी आपने देखा होगा फ्रक्टोज एक दो तीन चार पांच तो कई सारे ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच कई सारे ओ एच समूह होते हैं कई सारे ओ एच oh, समूह होते हैं इसे कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कई सारे OH समूह होते हैं इसे क्या कहते हैं कई सारे OH समूह होते हैं उसे क्या कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी कई सारे OH समूह हैं उसके साथ या तो एल्डिहाइड समूह होता है उसके साथ या तो एल्डिहाइड समूह मिलेगा या कीटोन समूह मिलेगा तो कार्बोहाइड्रेट्स की परिभाषा क्या हो गई भाई पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या ketones, या उनसे टोन्स या उनसे बनने वाले व्युत्पित पदार्थों को क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स तो आज के बाद कभी भी कार्बोहाइड्रेट्स की परिभाषा हो ना तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक मत बोल देना क्योंकि दुनिया में सारे ज्यादातर यौगिक कार्बन कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो परिभाषा है वो हो गई पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन या उनसे व्युतपित योगिक क्या कहलाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स अब करते क्या है अब करते क्या है भाई जैसे प्रोटीन्स हैं बच्चों सुनो हां प्रोटीन्स का जनरल कार्य क्या है देखो कुछ प्रोटीन्स तो एंजाइम्स के रूप में काम करते हैं कुछ प्रोटीन्स प्रतिरक्षा में काम करते हैं कुछ प्रोटीन्स गैसों का स्थानांतरण करते हैं यह ठीक है लेकिन सामान्यतः प्रोटीन्स क्या काम करते हैं वृद्धि और विकास में है ना वो आपने देखा होगा लोग जिम जाते हैं और जिम जाके ऐसे डंबल्स बनाते हैं ऐसे है ना बॉडी बनाते हैं तो उसमें प्रोटीन ज्यादा लेते हैं वो तो शरीर की वृद्धि शरीर के विकास मरम्मत में कौन काम करते हैं प्रोटीन्स इसीलिए हम शरीर में प्रोटीन्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं इसलिए हम प्रोटीन को तो क्या कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं ना मैं यहां पर लिखू ये तो आपने आठवीं नब्वी दसवीं में पढ़ा है कि जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो हम प्रोटीन को शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं भाई बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी क्यों कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी क्योंकि वो वृद्धि में विकास में और मरम्मत में काम करते हैं ठीक है आपको पेशियों का विकास करना हो आपको पेशियों की वृद्धि करनी हो बॉडी बनानी हो मरम्मत करनी हो तो किसकी आवश्यकता पड़ती है प्रोटीन्स की तो प्रोटीन तो शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट से मसल बनती है क्या कार्बोहाइड्रेट वृद्धि विकास में नहीं ऊर्जा हा शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए ना आपको पढ़ने के लिए मुझे बोलने के लिए आपको भागने दौड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा देने वाले यौगिक कौन से होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स शरीर में तुरंत ऊर्जा तत्कालीन ऊर्जा किससे मिलती है कार्बोहाइड्रेट से है ना आप जब वैसे कोई मैराथन दौड़ दौड़ते हो बच्चों कोई 200 मीटर की दौड़ हजार मीटर की दौड़ मैराथन दौड़ दौड़ते हो तो रस्ते में आप लोगों को ग्लूकोन डी देते हैं ना तो रस्ते में ग्लूकोन डी देते हैं प्रोटीन शेक थोड़ी देते हैं या रस्ते में आपको ऐसे चपाती पर घी परोस कर देते हैं क्या नहीं ना ग्लूकॉन डी देते हैं ग्लूकॉन डी क्यों क्योंकि तत्कालीन ऊर्जा चाहिए भाई इमीडिएट एनर्जी तुरंत ऊर्जा चाहिए तो क्या दोगे कार्बोहाइड्रेट तो पॉलीहाइड्रॉक्सी है तो इनका प्रमुख कार्य कार्बोहाइड्रेट्स का जो प्रमुख कार्य है वो क्या होता है ऊर्जा स्रोत क्या है भाई ऊर्जा स्रोत और तत्कालीन ऊर्जा स्रोत शरीर को सबसे पहले ऊर्जा किससे मिलती है कार्बोहाइड्रेट से शरीर को सबसे पहले ऊर्जा किससे मिलती है कार्बोहाइड्रेट से इसलिए यह सबसे कॉमन श्वसन क्रियाधार भी कहलाते हैं इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं सबसे कॉमन श्वसन क्रियाधार क्रियाधार यानी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स तो आपके पास सबसे कॉमन सबसे तुरंत ऊर्जा कौन देगा कार्बोहाइड्रेट अच्छा कितना एक ग्राम से एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मिलती है लगभग लगभग 4.2 किलो कैलोरीज ऊर्जा तो एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से लगभग लगभग कितनी ऊर्जा मिलती है भाई 4.2 किलो कैलोरीज ऊर्जा मिलती है तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं अपन ने देख लिया भाई प्रमुख कार्य क्या होता है यह भी मैंने आपको बता दिया ऊर्जा और एक कार्बोहाइड्रेट एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से हमको लगभग लगभग कितनी ऊर्जा मिलती है 4.2 किलो कैलोरीज ऊर्जा मिलती है यह भी मैंने आपको बता दिया अब कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है ना अब अपन किसकी बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की बात करेंगे आ जाओ तो कार्बोहाइड्रेट्स का जब हम वर्गीकरण पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स को अपन तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये कितने प्रकार के होंगे भाई तीन प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हम पढ़ेंगे। मोनोसैकेराइड्स ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट को हम कितने प्रकार में विभाजित करेंगे भाई तीन प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मोनो ओलिगो पॉली एकल ओलिगो का मतलब क्या होता है बच्चों कुछ ओलिगो का मतलब होता है कुछ यानी फ्यू और इसका मतलब है दो से दस ठीक है दो से दस अभी बाद में बात करेंगे चलो एक मिनट इसकी बात अभी नहीं कर रहे बाद में करेंगे और पॉली का मतलब होता है अरे पॉली का मतलब होता है बहुत मैनी डाय हम ओलीगोसेड्स में पढ़ेंगे भाई ओलिगोसैखेराइड के अंदर ही डाय पढ़ेंगे घबराना नहीं ओलिगोसैराइड के अंदर ही डाय पढ़ेंगे अब सुनो मोनोसेराइड के बारे में हमको यह मालूम है कि यह सबसे सरलतम यह सरलतम कार्बोहाइड्रेट है मोनोसेराइड क्या होते हैं सरलतम और पॉलीसैकेराइड जो हैं वो सबसे जटिल हैं ठीक है सैकेराइड का मतलब जो होता है कार्बोहाइड्रेट है ना कार्बोहाइड्रेट तो अंग्रेजी टर्म है ग्रीक लैटिन में इसको क्या कहते हैं सैकेराइड सैकेराइड का मतलब है कार्बोहाइड्रेट जहां कहीं भी शब्द आता है सैकेराइड तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है सैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट ठीक है अब सुनो मोनोसैकेराइड जो होते हैं ना सुन लो वो सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स हैं सबसे सरलतम है जल में आसानी से घुल जाते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज राइबोस ये सारी शकरा जो हैं, इन जल में फटाफट घुल जाती हैं और स्वाद में मीठी होती हैं तो स्वाद में मीठी होती है इसलिए इनको शुगर कहते हैं ठीक है ओलिगोसेराइड में जो डायखराइड हैं वो भी स्वाद में मीठे होते हैं उनको भी शकरा कहते हैं लेकिन जो पॉलीसैखेराइड हैं स्टार्च है ग्लाइकोजन है, है। जैसे आप चपाती खाते हो तो चपाती में क्या है स्टार्च है गेहूं से बनी है स्टार्च है चावल खाते हो चावल में भी क्या है स्टार्च है तो चावल और चपाती मीठी होती है क्या नहीं होती ना क्योंकि जो पॉली हैं है स्टार्च है ग्लाइकोजन है सेल्यूलोज uh, है ये स्वाद में मीठे नहीं होते ये स्वाद में मीठे नहीं होते इसका मतलब ये जो पॉलीसेराइड्स हैं ये स्वाद में मीठे नहीं होते इसलिए इनको हम नॉन शुगर कहते हैं और मोनोसैकेराइड्स तो स्वाद में मीठे होते हैं और क्योंकि स्वाद में मीठे होते हैं इसलिए इनको क्या कहते हैं शकरा ठीक है शक्करा। तो इसीलिए शुगर स्वाद में मीठी है इसलिए क्या कहते हैं शकरा तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि सारी शर्करा जो हैं वो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं सारी शर्करा जो है वो तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं परंतु हर कार्बोहाइड्रेट शक्करा नहीं है याद रखना भाई इधर यहां पर यही तो इंपॉर्टेंट नोट है जो बता रहा हूं नोट क्या है भाई हर शर्करा कार्बोहाइड्रेट है परंतु हर कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं है याद आया इंपॉर्टेंट चीज भाई हर शर्करा कोई भी शर्करा का आप नाम लो घर में हम चीनी खाते हैं घर में जो चीनी यूज करते हैं वो क्या है सुक्रोज स्वाद में मीठी है कार्बोहाइड्रेट है दूध में कौन सी शुगर होती है माल्टोज माल्टोज वो भी क्या है शर्करा है कार्बोहाइड्रेट है लेकिन तो हर शर्करा तो क्या है कार्बोहाइड्रेट लेकिन स्टार्च ग्लाइकोजन सेल्यूलोज काइटिन ये तो कार्बोहाइड्रेट है लेकिन ये तो स्वाद में मीठे नहीं है ये तो शकरा नहीं है इसलिए हर शर्करा तो कार्बोहाइड्रेट है परंतु हर कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं होती बिल्कुल सही डाय हम पढ़ेंगे ओलिगोसैकेराइड में जो डाय हम पढ़ेंगे लैक्टोज माल्टोज सुक्रोज ये सब आपके पास शर्करा होती है ठीक है भाई तो यहां तक क्लियर है बेसिक चीज मोनोसैकेराइड्स ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स अच्छा अब एक चीज और याद रखनी है आपको जैसे जैसे अपन मोनोसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड की तरफ जाते हैं ठीक है जैसे जैसे अप, अब ये सब पढ़ना है भाई अभी सब पूछ लोगे सर ओलिगोसैखराइड के उदाहरण अरे तो ये चैप्टर अभी तो चालू हुआ है टॉपिक आगे तो बढ़ने तो दो मोनोसैकेराइड खत्म थोड़ी हो गया कार्बोहाइड्रेट आज तो शुरुआत है तो धीरे धीरे पढ़ेंगे ना सब मोनोसैकेराइड पढ़ेंगे फिर डाय पढ़ेंगे अब सुनो जैसे जैसे अपन मोनोसैकेराइड से डाय पॉली की तरफ गति करते हो जैसे जैसे आप मोनोसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड की तरफ गति करते हो तो स्वाद कम हो रहा है मीठापन कम हो रहा है ना ये मीठी शुगर्स हैं, स्वाद में मीठी हैं, ये स्वादहीन है तो स्वाद मिठास में कमी आ रही है जैसे जैसे आप मोनोसैकेराइड से पॉलीसैकराइड आप करोगे तो जटिलता बढ़ती जा रही है यह सबसे सरलतम है मोनोसैकेराइड्स और ये सबसे जटिल है और तीसरी और तीसरी क्या है भाई घुलनशीलता ये जल में आसानी से घुल जाता है ये जो है मोनोसैकेराइड तो जल में आसानी से घुल जाती है स्टार्च को ग्लाइकोजन को आसानी से पानी में घोल सकते हो क्या नहीं घोल सकते ना तो घुलनशीलता भी कम होती जाती है तो आपके पास कैसे जैसे आप गति कर रहे हो जैसे जैसे आप मोनोसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड की तरफ हम जा रहे हैं तो जटिलता तो बढ़ रही है कॉम्प्लेक्स ये सरल थे ये जटिल है इनकी संरचना बड़ी होती जा रही है फिर स्वाद मीठापन कम होता जा रहा है और जल में घुलनशीलता भी कम होती जाती है जल में घुलनशीलता भी कम होती जाती है ठीक है यह आपको चीज मैंने बता दी अब एक एक करके देखेंगे बच्चों ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया अब एक एक करके सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स अगर एनर्जी लेवल कम है हां तो कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है भाई शरीर में ऊर्जा की कमी है तो चक्कर आ रहे हैं ऊर्जा की कमी है मतलब कार्बोहाइड्रेट की कमी है इसलिए ब्रेकफास्ट करके बैठना भैया सुबह सुबह जीवन में ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट मील होती है सुबह सुबह ऊर्जा अब आपके मस्तिष्क को भी समझने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करना चाहिए अच्छी तरह से ताकि शकरा का स्तर ग्लूकोज मस्तिष्क को मिलता रहे और वो बेहतर रूप से सोच सके तो सबसे पहले हम किसकी बात करें भाई मोनोसैकेराइड्स की अब सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स क्या क्या मालूम चल गया मोनोसैकेराइड्स के बारे में बच्चों सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है इसका मतलब इसका इसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता इसका अपघटन संभव नहीं है तो ये आपके पास सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स मतलब इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता इनका जल अपघटन नहीं हो सकता सबसे सरलतम है इसको और क्या करोगे ठीक है इसको और क्या तोड़ोगे ये सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स हैं फिर जल में घुलनशील होते हैं जल में आसानी से घुल जाते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं स्वाद में मीठे होंगे इसीलिए इन्हें हम शक्करा कहेंगे स्वाद में मीठे होते हैं इसलिए इसे शकरा कहते हैं और इनका सामान्य सूत्र इनका सामान्य सूत्र याद रखना है भाई सी एन एच टू एन ओ एन होता है सारे कार्बोहाइड्रेट्स का नहीं बच्चों सिर्फ मोनोसैकेराइड्स का ऐसा नहीं है कि सर यह सूत्र हर कार्बोहाइड्रेट के लिए है क्या हर कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं है बच्चों सिर्फ मोनोसैक्राइड्स के लिए है तो मोनोसेक्राइड्स का सामान्य सूत्र क्या है सी एन एच टू एन ओ एन और इसमें जो शकरा शामिल होंगी बच्चों वो तीन कार्बन से लेकर सात कार्बन तक की होती हैं तीन कार्बन से सात कार्बन की शर्करा पाई जाती है तो तीन कार्बन से सात कार्बन तक की शर्करा किस में मिलेगी मोनोसेखेराइड में तीन कार्बन ट्रायोसेस चार कार्बन टेट्रोसेस पांच कार्बन पेंटोसेस छह कार्बन हेक्सोसेस सात कार्बन हेप्टोसेस तो ये सारे किसके लक्षण हो गए मोनोसेखेराइड के अब एक बार मैं काम करता हूं बच्चों एक चीज देख लेते हैं फटाफट एक मिनट तीन कार्बन की शक्करा शर्करा होती है ट्रायोसेस सूत्र क्या हो गया सी थ्री एच सिक्स ओ थ्री चार कार्बन की शर्करा कहलाएंगी टेट्रोसेस सी फोर एच एट ओ फोर पांच कार्बन की शर्करा क्या कहलाएगी पेंटोसेस सी फाइव एच टेन ओ फाइव की शर्करा क्या कहलाएगी हेक्सोसेस सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स सात कार्बन की शर्करा क्या कहलाएगी हेप्टोसेस सी सेवन एच फोर्टीन ओ सेवन तीन कार्बन से सात कार्बन तक की ही होती है भाई एक कार्बन दो कार्बन की शकरा नहीं होती आठ सात से ज्यादा कार्बन की शकरा नहीं होती प्राकृतिक शकरा कितनी है ये प्राकृतिक शर्करा यही होती है तीन कार्बन से सात कार्बन तक की अरे पॉलीसैक्राइड तो टूटेगा शरीर में जाकर संजना जी पॉलीसैक्राइड मतलब आपने गेहूं आप चावल खा रहे हो रोटी खा रहे हो तो वो शरीर में जाकर क्या कर रहा है वो स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में ही तो टूट रहा है और ऊर्जा तो ग्लूकोज से ही मिलेगी ना तो या तो सीधे ग्लूकोज ले लो सीधे ग्लूकोंडी सीधे फल खा रहे हो फलों में कौन सी शक्करा होती है ग्लूकोज भी होती है और फ्रक्टोज होती है प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है जो फलों में मिलती है तो अगर आप फल खा रहे हो तो फलों में तो बनी बनाई शर्करा है प्राकृतिक वो तत्कालीन ऊर्जा देगी आप लोगों को गेहूं खा रहे हो चावल खा रहे हो रोटी तो वो भी तो पाचन के माध्यम से ग्लूकोज में टूटेगा और फिर ऊर्जा मिलेगी प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड किसके जुड़े रहते हैं अरे अमीनो एसिड तो आपस में पेप्टाइड बंद के द्वारा ही जुड़े रहेंगे लोकेश जी नया बंद कहां से लाओगे अमीनो अम्ल आपस में किसके द्वारा जुड़े रहते हैं प्राप्त पेप्टाइड बंद के द्वारा ही जुड़ेंगे ना टर्शरी संरचना में तो जो प्रोटीन पूरा घुमा है उनमें अल अतिरिक्त बंद हैं कोवे अतिरिक्त बंद हाइड्रोजन हैं अतिरिक्त बंद हैं अतिरिक है, जल विरोधी प्रमुख बंद तो पेप्टाइड बंद ही रहेंगे हमेशा ठीक है बच्चों तो आज तो अपन ने केवल इतना इंट्रोडक्शन देखा आर्टिफिशियल शुगर होती है ना भाई कृत्रिम शर्करा भी होती है ये कृत्रिम शकरा ये जो बॉटल जूसेस होते हैं ना मार्केट में मिलते हैं रिफाइंड फूड पैकेज फूड वो नहीं खाने चाहिए आज घर में आप जो फलों से जूस बना रहे हो वो बेहतर है आप कोई रियल जूस और वो पैकेट वाले जूस ला रहे हो उसमें सारे कृत्रिम स्वीटनर डाल रखे होते हैं सारे प्रेजर्वेटिव रसायन केमिकल्स डाल रखे होते हैं तो वो नुकसान करते हैं वो सिर्फ स्वाद में मीठे हैं कोई प्राकृतिक शकरा थोड़ी है वो ठीक है ये चैप्टर बड़े लंबा चा, अरे यार चैप्टर कितना चलेगा यार जीवन में मैंने आपको पता है मेरा एक वीडियो है ठीक है जितने नए स्टूडेंट्स है ना यूट्यूब पर मेरा वीडियो देखना इंजॉय द दा जर्नी डाला है मैंने उसमें यह है कि यार इस प्रक्रिया को इंजॉय करो सर चैप्टर कब खत्म होगा सर नेक्स्ट चैप्टर कब चालू होगा सर सिलेबस कब होगा सर अरे यहां पर यह आए हो क्या करने यहां पर सीखने आए हो ना इंजॉय करने आए हो हर क्लास को इंजॉय करो हर टॉपिक को सीखो समझो अरे सर चैप्टर कब खत्म होगा सर कितने दिनों में होगा सर सिलेबस कब पूरा होगा अरे ऐसे बोझ बना के पढ़ोगे क्या इस तरीके से पढ़ना चाहते हो क्या सर सिलेबस कंप्लीट करा दो सर दो महीने में पूरा तीन महीने में सिलेबस पूरा करवा दो तो मिला हुआ है रिकॉर्डेड वीडियो दे रखे हैं आपको पढ़ लो एक एक, एक महीने में सारे रिकॉर्डेड वीडियोस देख डालो पूरा सिलेबस कर डालो बना लो जीवन को बोझ क्या यार बढ़िया एंजॉय करो मजे लो नंबर इतने आसानी से आएंगे सिलेक्शन इतना आसानी से होगा अरे सीखने पे जोर डालो इंजॉय करो इस प्रोसेस को एक सवा घंटे की क्लास तो तो है, 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 है सर ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा आंखें दुख रही हैं पेट दुख रहा है भूख लग रही है सर घुग रहा है समझ आ नहीं रहा या तो जीवन को इस तरह से जियो सारे दुख आप पर ही हैं आपको ही मिल रहे हैं और जीवन भर बोझ तले जियो और नहीं तो दूसरा तरीका है जीवन में सब अच्छा है सब बढ़िया है मित्र अच्छे हैं टीचर्स अच्छे हैं मेरे में क्षमता है मैं सीख रहा हूं एक बार में नहीं दूसरी बार में समझूंगा समझ लूंगा मेहनत करूंगा सफल रहूंगा खुश रहूंगा तो यह तरीका आसान है भाई खुश रहना आसान है समझना आसान है पढ़ना आसान है सीखना आसान है ईमानदारी आसान है बेईमानी करना मुश्किल है झूठ बोलना मुश्किल है परेशान रहना मुश्किल है क्योंकि उसके लिए अलग ऊर्जा चाहिए खुश रहने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए दुखी रहने के लिए बताऊंगा साइंस में दुखी रहने में ज्यादा ऊर्जा चाहिए उदास रहने में शिकायत करने में ज्यादा ऊर्जा चाहिए पढ़ते हुए बीच बीच में कमेंट्स करने में ज्यादा ऊर्जा चाहिए या सिर्फ समझने में ज्यादा ऊर्जा चाहिए अरे समझना आसान है कमेंट करते रहते हो बीच बीच में दो पांच जने हैं सिर्फ बाकी हजारों की संख्या में बच्चों सुनना टारगेट टारगेट में आपका जो बैच है ना इसमें हजार से ऊपर स्टूडेंट्स हैं तो यार कितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो मन लगा के पढ़ रहे हैं और कुछ दो चार होते हैं वो बीच बीच में कमेंट एक कमेंट एक को पचास बार लिखते हैं उससे किसका नुकसान हो रहा है भाई किसका नुकसान हो रहा है तो ये नहीं करना है सीखो सब कुछ मिलेगा लाइब्रेरी को रिफ्रेश करो आज शाम तक अपलोड हो जाएंगे अगर किसी के अपलोड नहीं हो रखे हैं तो रिफ्रेश कर लो कैश मेमोरी को थोड़ा जुगाड़ तो सीखो यार मोबाइल इतना यूज करते हो इंस्टा फेसबुक सब चलाते हो ऐप को तो थोड़ा टटोलो कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस में प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे क्वेश्चन बैंक यहां होगा हर जगह होगा नहीं तो अपलोड हो जाएगा सब मिल जाएगा भाई यहां पर ईमानदारी से हर व्यक्ति आपके भलाई के लिए लगा हुआ है बच्चों ठीक है हमने कोई ऐसी फीस नहीं ली है कि हमारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव है ध्यान है आपने देखा होगा यूट्यूब पे टीचर अपना बताता है मेरा कोड यूज करो दस परसेंट डिस्काउंट मिलेगा इतने में आ जाओ इतने में आ जाओ खरीद लो खरीद लो उनका उद्देश्य पैसा कमाना है यहां पर नाम मात्र की फीस में आपको पढ़ा रहे हैं और सिर्फ यह सोच के बच्चों की आपका भला हो सके हम हर दिन दिन रात यही कोशिश करते हैं कि आपको किस तरह से चीजें आसान बना सके मैं आपको यही कोशिश करता हूं कि बच्चों आपको जितना ज्यादा कंटेंट दे सकूं एग्जाम संबंधित वो सब दे सकूं और जिस दिन पेपर आएगा ना मैं बता रहा हूं अभी आपको भले ही विश्वास नहीं होगा लेकिन जिस दिन पेपर आएगा जिस दिन नीट का एग्जाम होगा उस दिन जब प्रश्न आएंगे ना तो आप बोलोगे सर आपने जो जो कहा था वही हुआ जैसे प्रश्न आपने बताए थे वैसे ही आए जो आपने पढ़ाया था वही आया तो मैं तो जिस सिर्फ उस दिन का वेट कर रहा हूं जिस दिन नीट होगा और नीट जिस दिन होगा ना जिस दिन सवाल आएंगे ना बायलू जी के उस दिन बात करेंगे अपन उस दिन बड़ा चौड़ा होकर बोलूंगा मैं देखो हमेशा जो मैं कहता हूं वैसा ही होता है तो इसलिए यार मस्ती से करो एंजॉय करो पढ़ाई करो ठीक है और हम लगे हुए बेटा अपन लगे हुए अपना एक, एक वो कहता है ना कनेक्शन डिवेलप हो गया है एक स्टूडेंट और टीचर का जो कनेक्शन है वो जरूरी है मैं मैं चाहता हूं कि आप लोग मेहनत करो आप भी यही चाहो कि मुझसे मेहनत करवा सको बस इस इंटरेक्शन इस, इस, इस पर काम करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे बच्चों है ना चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद मजा आया थैंक यू